अगर आपके पास साइकिल है और बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको बारिश के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि आपकी जो साइकिल है वो काफ़ी जल्दी रस्टिंग पकड़ लेती है। और इस वीडियो में मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ है और इसका सॉल्यूशन मैं प्रॉपर ढंग से दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आलमंड ऑयल का यूज़ करूँगा जो कि मार्केट में आराम से मिल जाता है, 1 रुपये का पैकेट भी आता है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं आलमंड ऑयल इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा नॉलेज भी मिलेगा। मैं इस साइकिल को वॉश भी करूँगा और जो भी एक्सेसिव ऑयल होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा, वो पूरा पूरा चला जाएगा। और कैसे जाएगा वो आपको इस वीडियो के पूरे एंड तक ही समझना पड़ेगा देख के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आपको पूरा पूरा इसी को ही कॉपी करना है। ब्रश में थोड़ा सा तेल लगा के आपको पूरा रोल करते जाना है, अपने पैडल को उल्टी तरफ घुमाते जाना है ताकि वो जो है पूरा पूरा राउंड राउंड घूमता रहे। और कोशिश ये करिएगा पहले जो इसके टीथ है जितने भी, उस पर अच्छे से आप उसको क्लीन कर ले, क्योंकि जो आलमंड ऑयल होता है वो बहुत ही लाइट होता है, पतला होता है बिल्कुल, और इसको ठंडी गर्मी से कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी चिपकता भी नहीं है और आराम से इज़िली उतर जाता है, इसीलिए मैं आलमंड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। जो साइकिल की चेन है इसमें किनारे किनारे जो जॉइंट्स हैं वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग पहुंच चुकी है मेरे साइकिल में, और मैं उसको प्रॉपर ढंग से हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेल यूज़ करूँगा। मैं क्लीन जो कर रहा हूँ, ब्रश का जो यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश भी काफ़ी नया ही है, और इसके जो छोटे छोटे व्हील्स होते हैं जिसमें टूथ्स होते हैं उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। ये साइकिल है, मैं बता दूं दोस्तों, शुरुआत से ही आप जितना ज़्यादा मेंटेन रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये साइकिल है मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये गियर साइकिल है। आपकी अगर नॉन गियर साइकिल भी होगी तो आप साइकिल के जो नॉर्मल बैक में टूथ लगे हैं, उसके दांत हैं जो भी, आप उसको प्रॉपरली अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ऐसे ही ऑयल लगा के बस छोड़ नहीं देना है। मैं जिस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करवा रहा हूँ उसको जिस हिसाब से फॉलो करना है आपको पूरा प्रॉपर फॉलो करना होगा, क्योंकि अंदर अंदर तक अगर आपके चेन में नहीं पहुँचेगा अगर ऑयल तो नहीं निकलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं ये जो नीचे का पोर्शन है इस जगह पे भी ऑयल देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साइकिल में ऑयलिंग जब कम हो जाती है स्पेशली बारिश के मौसम में तो एक चू 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 करके आवाज़ आती है, काफ़ी नॉइज़ी हो जाता है, प्लस हमें फ्रिक्शन फील होता है अपनी साइकिल को जब पेडल मारते हैं, ऐसा लगता है कि पेडल मारने में बहुत मेहनत लग रही है। लेकिन दोस्तों आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो साइकिल है उसको चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी बदल जाएगा, क्योंकि बहुत स्मूथ हो जाएगा आपकी साइकिलिंग। और कोशिश ये करिएगा आप महीने में एक बार एटलीस्ट साइकिल को इस तरीके से क्लीन करें। अब आप देख सकते हैं कि मैं आलमंड ऑयल को थोड़ा सा अपने व्हील्स के अंदर भी डाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी ऑयल लगता है, तो मैं अंदर अंदर भी पहुँचाना चाहता हूँ अपने साइकिल के, ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको पूरा प्रॉपर अंदर तक ऑयल भी डाल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ब्रश को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि अंदर तक पहुँच जाए और प्रॉपर चारों तरफ ऑयल हो, क्योंकि अभी आपको बता दूं दोस्तों ये जो आपकी रस्टिंग है अगर आपको प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करनी आती है तो आप निकाल नहीं पाओगे, और इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा कि जो रस्टिंग थी वो कितनी ईजिली मेरा साइकिल से दूर चला जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको दिख जाएगा क्योंकि मैं ये दूसरी बार फॉलो कर रहा हूँ और साइकिल में रस्टिंग मेरे आती रहती है। इससे पहले भी एक साइकिल थी उसमें भी सेम ऐसे ही रस्टिंग आती थी, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने इसको गेन किया है, तो यही चीज़ मैं अपने वीडियो में शेयर करना चाह रहा था। अब जिस हिसाब से मेरी साइकिल के व्हील घूम रहे हैं बैक के, और जो क्रैंक मतलब सेट जो है वो भी बहुत फ्री फील हो रहा है मुझे आगे से, और इस तरीके से मैं बस घुमाता ही जाऊँगा। अब मैं बताऊं दोस्तों ऑयलिंग जब आप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऑयलिंग ऊपर से भी डालते रहिए ताकि जो अंदर का पोर्शन है उस पर भी अच्छे से ऑयलिंग चला जाए। जिस हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया है मेरे को बहुत मेहनत लगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है तो है नहीं जो मेरा कैमरा पकड़ने में होल्ड करे, तो बस अंधाधुंध ही मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने की कोशिश करी है।
काफी ऐसे लोग होंगे जो ये प्रोसेस को सोचेंगे, अरे इतना सारा तेल डाल रहा है साइकिल खराब हो जाएगा। तो मैं बता दूं, कभी भी साइकिल में ऑयलिंग से नहीं खराब होता। हाँ, अगर आप ऑयल करके बस छोड़ देते हो, ठीक है, वॉश वगैरह नहीं करते प्रॉपरली, तब आपको दिक्कत आएगी। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्या पता आपके गियर में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। अभी आप देखिए किस तरीके से मैं अपने पूरा प्रॉपर घुमाता जा रहा हूँ, अंदर अंदर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, इस तरीके से बैक की तरफ घुमाते रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको बस ऊपर ऊपर करोगे तो अंदर तक नहीं पहुँचेगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, आपको फ्री वाली फीलिंग नहीं आएगी और आवाज़ भी आने लगती है साइकिलों से। अगर आपके साइकिल में बारिश के कारण आपको साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, पेडल वगैरह में फीलिंग आ रही होगी जम टाइप की, ठीक है। आगे वाले साइकिल के लिए मैंने उसको जो है लिटा दिया है, और ये पूरा प्रॉपर मैं इसको भी ऑयलिंग करूँगा। और मैं एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, मैं कभी भी साइकिल में वॉश करने के लिए शैम्पू या कोई डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे साइकिल के अंदर अगर पहुँच गया तो वो पूरा जो ग्रीस वगैरह है सब निकाल देगा। पेडल के भी अंदर तक हमें पहुंचाना होगा, पेडल जो क्रैंक सेट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्लीन करेंगे। यहाँ पे जितना तेल डाल सकते डालिए, क्योंकि आर पार हो जाएगा तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहीं से मोस्टली मेरे को नॉइस फील होता है और बहुत टाइटनेस जैसा फील होता है, यहीं पर मोस्टली मुझे फ्रिक्शन का भी फीलिंग आता है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं जैसे बता रहा हूँ आप दोस्तों एक बार फॉलो करके जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो में रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अलग अलग तरीके से साइकिल क्लीन करना सिखाते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, मुझे आपका ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। आपसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करोगे और अन्य वीडियो के माध्यम से भी। तो मैं जो भी बताऊँगा अपना पहले आजमाऊँगा, रिज़ल्ट देखूँगा, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने कोशिश की है, आप बस देखिए कैसे मैं इसको अच्छे से प्रॉपर हर जगह ऑयल कोशिश कर रहा हूँ पहुँच जाए। और एक चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा, मैं कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर मंगाता हूँ उसका रिव्यू करता हूँ, तो वो मैं खुद पर्सनली बाय करके, खुद अपने पैसों से बाय करके मंगाता हूँ, और ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप नहीं होता है एक आध को छोड़ के, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि कोई कोई प्रोडक्ट में मैं अगर तारीफ़ कर रहा हूँ किसी चीज़ की तो वो मुझे पैसे मिले हैं, जस्ट लाइक ये साइकिल, मैंने ये साइकिल लिया है, परचेस किया है और ये EMI पे ही लिया है, लेकिन यस, इसका EMI मेरे YouTube चैनल से निकल आता है, मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसी साइकिल के आने के बाद से मेरा चैनल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, तो मैं इस साइकिल को भी एक अपना एक पूंजी की तरह मानता हूँ, मैं इसको पूजता हूँ और इसकी मैं देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, आप मानो या ना मानो, क्योंकि जब आपका कोई अन्नदाता बन जाए तो उसकी आप केयर ज़्यादा करते हो, ठीक है। अब आप देखिए मैं आगे की तरफ से भी जो है ऑयलिंग वगैरह अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों मैं बार बार कहूँगा, ऑयल अच्छे से करिएगा, कमी मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी कमी रखोगे अंदर तक नहीं पहुँच पाएगा तो बहुत दिक्कत करेगा आगे चल के। और तब तक करना है जब तक आपका अंदर से फीलिंग ना आ जाए कि हाँ अब वो जो नॉइस है वो चली गई है, टाइटनेस चली गई है, ठीक है। ये साइकिल को वॉश करने से पहले का नज़ारा है, आप देख लीजिए मेरे साइकिल में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह लगे हैं, और जिस बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ, मतलब मैं जहाँ जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन का भी वर्क हो रहा है, तो पुट्टी वगैरह भी गिरी हुई है, वाइट सीमेंट या पुट्टी वगैरह है, उसको भी मुझे हटाना है। और जो मैंने अभी ब्रश दिखाया वीडियो में उसको आपको यूज़ करना है, ये बहुत बढ़िया ब्रश होते हैं, जितने भी लंबे लंबे बुश वाले ब्रश होते हैं उसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए मैं किस तरीके से लंबे वाले जो ब्रश है उससे इसको कस कस के रगड़ूंगा, इतना भी कस के नहीं रगड़ना है कि आपके इस साइकिल में स्क्रैचेस आ जाए, लेकिन ये वाले जो ब्रश होते हैं इनमें अंदर तक पहुंच जाता है। और एक बेनिफिट बता दूं, पानी रनिंग पे रखना होगा आपको, जितना पानी रनिंग पे रखेंगे रोकना नहीं है, और डिटर्जेंट वगैरह का साइकिल में यूज़ नहीं करना है अनटिल अनलेस आपकी साइकिल के जो डिस्क ब्रेक है वहाँ पे आपका ऑयल चला गया, क्योंकि डिस्क ब्रेक में ऑयल अगर चला गया तो आपको ब्रेक लगाने में दिक्कत आएगी, आपका ब्रेक उस लेवल पे काम नहीं करेगा। और मैं ये जो पानी रनिंग पे रखा हूँ, अब आप देखिए मैं पीछे की तरफ साइकिल का जो पेडल है अपने आप घसीटने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी दिशा में। और ये ब्रश जो है जितना भी एक्सेसिव ऑयल होगा वो पूरा प्रॉपरली पानी के साथ निकाल देता है, और थोड़ा थोड़ा जो चिकनाई होती है वो रख देगा।
और अंदर की तरफ ज़्यादातर पहुँचता नहीं है ब्रश, क्योंकि मैंने इतना ऑयल डाला है कि इसके अंदर पहुँच गया होगा और वो इसकी लाइफ को बढ़ाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों। गियर के अंदर जो कीचड़ वगैरह घुस जाते हैं गियर सेट में, तो उसमें भी अच्छे से क्लीनिंग ये ब्रश कर देता है और रिज़ल्ट आप देखेंगे वीडियो के एंड में, आप खुद कहेंगे हाँ त्रिनव जालोही ने कुछ अच्छा बताया है। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ उसका प्रूफ ज़रूर दिखाता हूँ और पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिखाता हूँ, और अकेले वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी दिक्कत होती है। तो बाकी आप सपोर्ट करोगे तो टीम भी बनेगी, और एक दिन टीम बनेगी तो बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अकेले अगर इतना काम कर सकता हूँ तो टीम पे और अच्छा कर सकता हूँ। आप देखिए मैं किस तरीके से गियर को साफ़ कर रहा हूँ अपने गियर सेट को, और पूरा आगे पीछे सारे जितने भी हैं उसको अच्छे से क्लीन करूँगा। और ये ऊपर जो सीमेंट वगैरह या फिर पुट्टी वगैरह था उसको भी मैं क्लीन इसी ब्रश से करूँगा, और जो ऑयल वगैरह निकलेगा मतलब इस ब्रश में जो ऑयल वगैरह लगेगा वो इसको पॉलिश का काम करेगा, प्लस अंदर जो पहुँचेगा मतलब टायर वगैरह में भी एक शाइनिंग ला देगा, ठीक है, जो इसका ऑयल है ब्रश के अंदर जब पहुँचेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो डिटर्जेंट है या फिर आपका शैम्पू वगैरह हो गया, इसको मैं इसलिए नहीं यूज़ करता हूं दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो यूज़ करो, आपकी साइकिल होगी आपकी बाइक होगी। ये इससे क्या होता है दोस्तों, उसकी जो अंदर जो देखिए साइकिल मोस्टली एलॉय से बनता है, कार्बन फाइबर से बनता है या फिर स्टील लोहा इस तरीके के आइटम से ही बनता है मोस्टली, ठीक है, और इनमें जंग वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। तो अंदर की बॉडी में मोस्टली पेंट नहीं होता है, जितने सस्ते साइकिल होंगे उसमें तो होगा ही नहीं, और महंगे साइकिलों में पूरा बॉडी में एक कवरिंग रहती है ताकि रस्टिंग ना आए, ठीक है, तो वो चलो बच जाएगा, लेकिन जितने सस्ते साइकिल होंगे 5000 या फिर 7-8000 उनमें क्या होता है, अंदर जब डिटर्जेंट पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो बाद में आगे चल के बारिश के मौसम में रस्टिंग फैलाता है और अंदर से डैमेज करना साइकिल को स्टार्ट कर देता है। इसीलिए मैं सिर्फ पानी का यूज़ करता हूँ, हालांकि पानी भी सिंपल सा अगर आप यूज़ करोगे तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर आप पानी के साथ थोड़ा सा ऑयल मिला के अगर इस पर स्प्रे करोगे, ठीक है, मतलब पानी के साथ स्प्रे, मतलब अगर आपके पास गार्डनिंग का प्रोडक्ट्स आते हैं आपको पता होगा उस पर लगा के, तो भी बेनिफिट दे सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये मैं आइडिया बता रहा हूँ, अभी करिएगा नहीं, मैं पहले अपने में ट्राई करूँगा फिर बताऊँगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। मोस्टली मेरा कहने का मतलब है बॉडी में ऑयल थोड़ा बहुत रहेगा तो रस्टिंग बहुत कम होती है, बाकी पेंट जॉब वगैरह तो अलग ही चीज़ है, अगर आपके पास पैसा आप साइकिल में पेंट वगैरह करा ही सकते हैं, बाइक में भी करा सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय पे मैं बाइक्स की भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बाइक भी है लेकिन मैं साइकिल पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टायर के अंदर क्लीन कर रहा हूँ, बिल्कुल किनारे तक इस ब्रश से क्लीन हो जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके सॉकर टायर सारी चीज़ें इस ब्रश से क्लीन हो जाता है, फ्रंट में मैंने आपको जो बताया उस तरीके से इस ब्रश से क्लीन हो ही जाता है। अब मैं बता दूँ क्रैंक सेट हो गया, प्रो व्हील के तो फ़िलहाल नहीं है और नॉर्मल ही है, ठीक है, और मेरा एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि ये प्रो व्हील के हैं कि नॉर्मल है, तो ये एलॉय मिक्स मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कंफर्म नहीं है, फिलहाल प्रो व्हील के तो नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं अभी मैं अंदर भी यहाँ पे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रहा हूँ, बाहर की तरफ अगर ऑयल नहीं भी पहुँच मतलब बाहर की तरफ ऑयल क्लीन भी कर दोगे आपको कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ ज़रूर होना चाहिए ऑयल, मोस्टली प्रॉब्लम रस्टिंग की जो आती है वो अंदर की तरफ ही होता है। मैं बाहर की तरफ से थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ और रिज़ल्ट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखेंगे वीडियो के एंड में तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार है मैंने साइकिल को इस तरीके से वॉश किया है और बहुत अच्छे टाइम तक रिज़ल्ट रहता है। बस बारिश का मौसम दोस्तों आता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और वीडियो के शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको जो अपने साइकिल के रस्टिंग दिखाई थी वो देख लीजिएगा कितना अच्छे तरीके से गायब हो जाएगा। अभी फ़िलहाल पोंछना है मेरे को अपनी साइकिल को, तो पोंछने के लिए सिंपल सा कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और जितना हो सके मैं एक सिंपल सा कपड़ा ही यूज़ करूँगा और फिलहाल पॉलिश वगैरह अलग से नहीं यूज़ कर रहा हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों कि इस साइकिल में ऑयल वगैरह जो ऊपर से लगा है ना, तो उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं। आप हालांकि यूज़ कर सकते हो पॉलिश वगैरह, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कौन सा पॉलिश अच्छा होता है और पॉलिश कैसे किया जाता है साइकिल में, तो वो आपके काम आ सकता है, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। बाकी तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ अदर्स, ठीक है।
और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो ऑयल वगैरह साइकिल में लगा था एक्सेसिव, तो ये मेरे मडगार्ड वगैरह जो है प्लास्टिक के ही है, मुझे फाइबर के तो लगते नहीं है, प्लास्टिक फाइबर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो उसमें भी शाइनिंग ला देता है, ठीक है। तो मुझे बहुत सही लगता है ये चीज़ कि हाँ, एक तीर से तीन चार निशाने पड़ जाते हैं, ठीक। और एक चीज़ और बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइकिल के कुछ गैजेट्स मंगाए हैं उसका वीडियो दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स डाल दिए हैं, ठीक है, और प्रॉपर मैं साइकिल को फ़िलहाल क्लीन कर रहा हूँ, और आप बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको देखने को मिल ही जाएगा कि जो साइकिल में पीछे रस्टिंग हुई थी वो कैसा है। और काफ़ी मज़ेदार फ़िलहाल तो मुझे अभी से ही लग रहा है साइकिल, और क्या ही बताऊँ फ़िलहाल। बाकी वेट करिए, आपको साइकिल का जो पॉलिश का रिज़ल्ट आएगा, ऑयलिंग वगैरह का रिज़ल्ट, वो देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सॉकर वगैरह जो होते हैं उस पर प्रॉपर चेकआउट रखा रही है, ठीक है। बीच बीच उसको नोटिस करते रहिए कहीं इससे ऑयलिंग वगैरह तो नहीं निकल रही है, और बीच बीच उसको क्लीन ज़रूर करिएगा। अगर ऑयल निकल रहा है तो उसको प्रॉपर सही करवाइए अच्छे किसी साइकिल के शॉप में ले जाके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शॉप है जहाँ पर हो जाता है आज भी ऐसे। अगर आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि सीख लीजिए खुद से, या फिर पूरा पूरा सेट चेंज करना आता है तो पूरा सेट चेंज कर लीजिए। अब इतना तो फिलहाल कोई नहीं करता, डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये आजकल ऐसा हो गया है कि आप नॉर्मल किसी कोई साइकिल ले लो, आप उसमें भी सॉकर लगा सकते हो फ्रंट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैक में भी लगा सकते हो, वेल्डिंग वगैरह करना पड़ता है उसमें, खैर वो अलग ही चीज़ है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मेरे इस YouTube चैनल में देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा YouTube चैनल, मैं बार बार बता दूँ, मेरा YouTube चैनल गैजेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा मैं बाई साइकिल या फिटनेस फ्रीक हूँ बहुत बड़ा, ठीक। तो अब मैं दिखा देता हूँ दोस्तों इसका आफ्टर वाला रिज़ल्ट कि कैसा आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगी है साइकिल को क्लीन करने में भी, और रस्टिंग वगैरह हटाने में। साइकिल इस दिशा से, मतलब इस लेफ्ट तरफ से, तो बहुत अच्छी शाइनिंग दे रहा है। अब रस्टिंग की बारी थी, रस्टिंग बिल्कुल ही चली गई है, शाइनिंग वापस आ गई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एकदम प्रॉपर क्लीन है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी है आपके सामने है। और थोड़ा बहुत जो ये पानी है वो धीमे धीमे सूख जाएगा, जैसे ही आप साइकिल चलाओगे तो पूरा प्रॉपर सूख जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास सूखा दूसरा ब्रश हो, एकदम प्रॉपर सूखा हुआ, वो एक बार अच्छे से इसके ऊपर चला दीजिए, जैसे मैंने रस्टिंग हटाने के समय ऑयल यूज़ किया लगाया था, तो आपका एक और काम हो जाएगा कि ये प्रॉपर जो है ऑयलिंग जो है वो फिर से हो जाएगी, जो बचा कुचा है, ठीक है। बाकी ये मैं दो तीन बार कर चुका हूँ तो मुझे परफेक्टली पता है कि ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और साइकिल तो बढ़िया चमक गई है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।